अज उन्होंने बहुत सारिया कॉल्स आई हैं पंजाब तो बाहरों जिन्होंने इस स्थिति नाल बड़े वधिया तरीके नाल निपटने वास्ते मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद किया उन्होंने, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि पंजाब के यूथ नूं बचाउण वास्ते तरह उन्हां नाल इस तरीके दे नाल निपट। तो सारे पासे तो हर पासे तो उन्होंने धन्यवाद किया जा रहा है और सारे पंजाबियों वालों पूरा सहयोग मिल रहा वा, हर पासे तो हर वर्ग तो हर तबके तो हर एक तो पूरा सहयोग मिल रहा है। ये दूसरिया स्टेट्स तो भी पूरा सहयोग मिल रहा वा, दूसरिया एजेंसीज तो भी, सेंट्रल एजेंसीज तो भी पूरा सहयोग मिल रहा है और पुलिस ये अपना काम बिल्कुल कानूनी तरीके दे नाल कर रही है। बहुत सारिया कई तरह के लोगों के मन शंके आ, सो जो भी काम किया जाएगा किसी नूं किसी तरह की इलीगल अरेस्ट च ना रखा गया ना रखा जाएगा, जदों भी जिहड़ा प्राइम अक्यूज्ड आ जदों भी फड़िया जाएगा तुरंत उहदे बारे दे विच जानकारी दित्ती जाएगी। इहदे विच इसे तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मोहाली दे विच इक धरना लग्गिया सीगा जिहड़ा पीसफुली समाप्त हो गया, उत्थे कुछ गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते धरनाकारियां दे विच कुछ डिफरेंसिस थी गए क्योंकि लोगों नूं आउण जाण दे विच काफ़ी समस्या हो रही थी, सो वह भी पूरी तरह समाप्त हो गया, रोड खुल गई है चंगी तरह। जिहड़ा इस इशू के उत्ते कुछ अपडेट सन, एक केस रजिस्टर किया वा जलंधर रूरल दे विच जिहदे विच सरपंच जिहड़ा वा मनप्रीत सिंह उद्दोवाल पिंड दा, उहने परचा दर्ज कराया दो बंदिआं दे खिलाफ, एक हरजीत सिंह जिहड़ा उहदा चाचा वा एक उहदे खिलाफ, एक हरजीत सिंह वो परचा जिहड़ा वा उन्होंने गन पॉइंट ते रखिया सी, इन्होंने जबरदस्ती जदों उत्थों तोड़े सीगे उस केस दे विच एक परचा दर्ज कीता गया वा जिहदे विच ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हन। सरपंच जिहड़ा उहदा नाम मनप्रीत सिंह आ, उद्दो के पिंड दा सरपंच आ, जिहड़े दो अक्यूज ने इहदे विच एक हरजीत सिंह आ एक हरप्रीत सिंह आ। फर्दर जिहड़ा इस केस दे विच एक बहुत वड्डी अहम सफलता पंजाब पुलिस दे हत्थ लगी आ कि जिहड़ी ब्रैजा कार दे विच अमृतपाल सिंह उत्थों दौड़िया सीगा मौके तों, वह ब्रैजा कार रिकवर हुई आ, जिहड़े चार बंदिआं ने भज्जण दे विच मदद कीती सीगी वह चार अक्यूज दे विच अरैसट कीते आ, जिहदे विच मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना है, एक गुरदीप सिंह एलियस दीपा है, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी ते गुरभेज सिंह एलियस भेजा, ये चार वो अक्यूज आ जिन्होंने भजन च मदद की सी। ब्रेजा कार दे वास्ते यूज हुई सी, वो ब्रेजा कार रिकवर हो गई है। मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना ये नवा किला शाहकोट का रहने वाला है, गुरदीप सिंह एलियस दीपा ये बल नौ पिंड नकोदर दे विच उत्थों दा रहने वाला है, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी ये कोटला नॉर्थ सिंह आ हुशियारपुर दे विच उत्थों दा रहने वाला है, गुरभेज सिंह एलियस भेजा ये गुंधारा पिंड आ फरीदकोट दे विच उत्थों दा रहने वाला। इन्हां चारां दे खिलाफ क्योंकि जदों इन्हां नूं फड़िया गया इन्हां तों जिहड़ी गड्डी मिली आ उहदे विचों भी 315 बोर दी एक राइफल मिली आ, कुछ तलवारां मिलियां वा, वॉकी टॉकी सैट मिलिया वा, इन्हां दे उत्ते आर्म्ड एक्ट दा केस ते इन्हां दे उत्ते उहनूं कस्टडी चों मतलब पुलिस दी गिरफ्त तों भजाउण वास्ते जिहड़े सैक्शन हुंदे आ उह वी ऐड कीते जा रहे इहदे विच एफ आई आर विच। जिहड़ी बहुत अहम गल सामने आई आ कि अमृतपाल सिंह इत्थों दौड़न तों बाद नंगल अंबियां पिंड आ उत्थे गुरद्वारा साहब दे विच गया, उत्थे जाके उहने कपड़े चेंज कीते, उहने शर्ट पाई पैंट पाई फिर उत्थों दौड़िया अपनी जिहड़ी तलवार सी उत्थे छड्ड दित्ती। इह इहनां दी पुछगिछ तों इह गल सामने आई आ, जिहड़े असीं फड़े आ बंदे चार इन्हों की पुछगिछ तो गल सामने आई कि पहला वो नंगल अंबिया पिंड दे विच गुरद्वारा साहब आ उत्थे गया सीगा, उस गुरद्वारा साहब दे विच कपड़े चेंज करके पैंट शर्ट पा के उस तो बाद दे विच दो मोटरसाइकल्स दे उत्ते तीन बंदे होर इहदे नाल सीगे, दो मोटरसाइकल्स दे उत्ते उत्थों एस्केप कीते आ चारों जणे उस जगह तों। सो इहदे विच जिस तरह आपां एक तां मैं अपील करना चाहूँगा सारे पंजाबियों नूं अपने वल्लों मानयोग मुख्यमंत्री साहब वालों पंजाब पुलिस वालों कि सारे योगदान दो, ये सारिआं दे कॉन्ट्रीब्यूशन की लोड़ आ, इह जे जिहड़े माड़े अंसर आ जिहड़े समाज दे विच इह दी अराजकता फैलाउंदे उन्हां नूं फड़न वास्ते, सो सारिआं नूं ही असीं अपील करांगे कि सारे सहयोग देण, चाहे वह कोई पब्लिक संस्थावां होण चाहे पिंडां दे सरपंच पंच कोई मोहतबर बंदे आ, क्योंकि हर एक बंदा इहदे विच अपना योगदान पा सकदा वा। दूसरी गल आ जदों भी कोई क्रिमिनल आपां नूं वांटेड हुंदा वा उहदे विच आपां हमेशा हर तरह की प्रोबेबिलिटी नूं मद्देनज़र रखदे हुए नॉर्मली आपां रिलीज़ करदे हां वी उह किस हुलिए दे विच हो सकदा वा। सो इस केस दे विच साडे कोल जिहड़ियां इहदियां कुछ पुराणियां फोटोग्राफ्स आ,
कुछ नवीं फोटोग्राफ्स आ जिहड़ियां कि असी सोशल मीडिया तो बाकी जगह तो साडे कोल आईआं है वो असी जरूर एक बार रिलीज़ करना चाहवांगे। वी विल वॉन्ट कि ये नैशनल टीवी ते बाकी चैनल्स ते जरूर जाण क्योंकि असी नहीं कुछ कह सकते, जदों फड़िया जाएगा उदों ही पता लगेगा कि बंदा किस कुलिए च आ, पर रूल आउट नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। सो ये मैं फोटोआं जिहड़ियां असी कुछ जिहड़ियां लभियां होंदियां अलग अलग जगह तो वो फोटोआं तुहानूं सारयां नूं रिक्वेस्ट करांगा इन्हां नूं सर्कूलेट किया जाए वध तों वध। सो इहदे विच इस केस दे विच हुण तक टोटल 153 बंदे ने जिहड़े अरैसट हो चुके हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA एक्ट, जिदा तुहानूं पता NSA एक्ट लगाया जा चुका वा, उहदे विच NSA दे विच नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा हुंदा है अमृतपाल के खिलाफ वो लग चुका, कल का लग चुका है ठीक है। मेरी गल पूरी मैं तुहानूं दसदा, वो एक्ट लगन तो बाद दे विच जिहड़े कंसर्नड डिप्टी कमिश्नर हुंदे आ एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो बंदा स्केप कर रहा हों, जो ऑर्डर का प्रॉपर फॉलो नहीं हों, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि बंदा जी अपनी अरैसट है उन्होंने इवेड कर रहा वा। वो फिर मजिस्ट्रेट साहब जोड़े ने उस उस तो बाद अरैसट वॉरेंट जोड़ा है वो जारी करते हैं। सो इस केस के जो नॉन अवेलेबल वॉरेंट आ अमृतपाल सिंह का वो जारी हो चुका वा, जोड़ा कि 18 मार्च में जारी होया। फरदर ये जे कोई बंदा फिर भी अपनी अरैसट में वेट करता वा तो कानून के प्रोविजन आ कि वो खिलाफ 82-83 सैक्शन जोड़े ने CRPC के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। सो 18 तरीक न लग्या जी, 18 तरीक दे जिहड़े सेम डे जदों इन्हें अपनी अरैसट में वेट किया, उस तो बाद ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके नॉन अवेलेबल वॉरेंट्स जोड़े ने जारी कराए गए। इसके हाँ जी, जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल CM साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नज़र रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज CM साहब ने जैसे बताया उनको बहुत सारी पंजाब से पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको CM साहब ने भी धन्यवाद किया है क्योंकि सबसे बहुत कोऑपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में और बाकी एजेंसी से बाकी स्टेट से भी हमें फुल कोऑपरेशन मिल रहा है इस केस में और पुलिस इस पे बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है, जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे, जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं, जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि दो लोग जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे कि जबरदस्ती के हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उनके उसके एलिगेशन है कि उन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ। सरपंच मनप्रीत सिंह है और जो अक्यूज्ड है दो, एक हरजीत सिंह है एक हरप्रीत सिंह है, दो अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि चार अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है, ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरबेज सिंह एलियस पेजा। ये चार वो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की, ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज़ की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहाँ से दौड़े हैं। जो दूसरा अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए,
पेंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने, उसके बाद दो मोटरसाइकिल्स पे चार लोग जो थे दो मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की जरूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज किसी केस में वांटेड होता है तो उसके हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में इसके रेजिडेंस से हमने की है जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज एस्टेब्लिश हो गई थी कि वहां से ब्रेजा गाड़ी यूज हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहां से चेंज करने के बाद फिर दो मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। सर, ये जो आपने फोटोस की है उसमें क्लीन शेव भी है, ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में किस तरह के बेस में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। मनप्रीत सिंह मन्ना दे कोलों मिली है और जेडे चारों बंदे असीं फड़े इन्हां दी पुछगिछ तो ही ये गल आई है कि ब्रेजा दे विच बैठ के फिर गुरुद्वारा साहब नंगल लंबियां उत्थे गए, उत्थे चार बंदे सीगे, इहदे च तीन बंदे होर आ, ए वाले चार नहीं सी जिहड़े नाल एस्केप कीते, तीन होर बंदे आ, मतलब तीन प्लस एक नहीं, ओ चीज इहदे वेरीफाई कर रहे कौन लैके आया सी, क्योंकि उस जगह दे उत्ते तीन बंदे होर सीगे, फिर चार बंदे दो मोटरसाइकिल ते नहीं जिहड़े मोटरसाइकिल ते चार बंदे तीन बंदे नाल गए आ वो बंदे अजे अरेस्ट करने बाकी आ, जिहड़े ब्रेजा कार च बिठा के उत्थों तक लैके गए सीगे वो चार बंदे असीं अरेस्ट कर रहे। बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये चार लोग वहां पे गए थे, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया था, देखो मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस 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 बिल्कुल 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 लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम भी हम इससे ज्यादा एक एक करके कर लो। देखो हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह। नहीं देखो ये सारा ये जड़िया चीजा है ना के की वेल प्लान सी या जा कपड़े नाल लेके आए सी, ये चीजा अजे वेरीफाई होन गया तफ्तीश दे विच, क्योंकि एक एक करके पूछो जी। सर क्या सर हाँ जी, ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है, पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारे जिला जलंधर रूरल में। नहीं ऐसा कोई अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। मैं कह रहा जी वो पार्ट चेक कर रहे, देखो अजे अज उन्होंने सुबह अरेस्ट किया चारा नू, उन्होंने जो दसिया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच वो मैं तुहानू दसता, जिहड़ी अगे मोटरसाइकिल कित्थे गए किदां गए की उहदी ट्रेल की आ
वो पार्ट अजे सारा असी चेक कर रहे हैं। सो टाइम टू टाइम जिस तरह कल नहीं नहीं आज सुबह था उन्होंने अरेस्ट किया है। हां नहीं नहीं वो सारा अजे कर रहे हैं जी, वो विल रिलीज जब जब आएगा। नहीं अजे तक नहीं हुई जी कोई, अजे तक कोई नहीं। देखो ये जी कॉल होंगी है ना जी, NSA दे विच एक प्रोविजन है, उहदे विच प्रोविजन है सैक्शन 5 दे विच कि जिहड़े बंदे तो भी थ्रैट आ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नूं जां पब्लिक ऑर्डर नूं उहनूं किसी दूसरी स्टेट दे विच रखिया जा सकदा वा। सो उहदे लई सिर्फ एक जरूरी हुंदा कि उस सैकेंड जिहड़ी स्टेट आ उहदी कंसेंट जरूरी हुंदी आ। सो हुण तक जिन्हें NSA दे विच 5 बंदे अरैसट कीते आ उहनां नूं डिब्रूगढ़ भेजा गया वा, 1-to-1 बेसिस दे उत्ते कॉल लई जांदी आ। इहदे विच एक ब्लैंकेट गल नहीं मैं कर सकदा, ज्यों ज्यों अरेस्ट होएगी त्यों त्यों कॉल ले जाएगी किन्नू किथे रखा। अच्छा सर उसके पास से कुछ बुलेटप्रूफ जैकेट भी मिली है, हथियार मिली है, क्या है सर पूरी कल कितनी जैकेट मिली? नहीं देखो जो जैकेट्स मिली है एग्जैक्ट नंबर ऑफ जैकेट्स तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन सारी जैकेट्स के ऊपर AKF लिखा हुआ है, जिससे हमें सस्पिशन है कि वो, जैसे मैंने कल कहा था कि अनंतपुर खालसा फौज है, तो वो उसका उसकी बाकी डिटेल्स हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो सारा चेक कर रहे हैं। अजे तक नहीं जी, NIA अजे तक नहीं है, बट फर्दर जो जेडी सेंट्रल एजेंसी की सानू जरूरत होएगी जहाँ जिन्हें तो साढ़े तो कोई इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर की जाएगी। हाँ जी देखो ये चीजा जी जो फड़िया जाएगा ना जी उदो सारिया पर जेड़ा जिन्ना मैं तुम्हें जिदा कल दसिया जितना 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 जितना, जितना हमारे पास आज तक एविडेंस आया है उससे उससे देर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो है जैसे गाड़ियां जो है 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसिस वेरीफाई हुए हैं उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है, तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी, एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उसमें अभी और टाइम लगेगा। सर सर को अपने सर चार लोग फड़े ने, बहुत सारे बंदे जिहड़े पिछों एस्केप कीते आ, क्योंकि अगले पासे जिहड़े बंदे सी क्योंकि एकदम बैक साइड तो जिस तरह उतर के अपनी गड्डी चो गया है, नाल ट्रैवल कर रहे सी ना, अपनी गड्डी चो उतर के जिदा कल तुहानू दस्सिया सीगा वी इह जिहड़ी गड्डी च ट्रैवल कर रहा सी उत्थों एकदम उतर के दूजी किसी गड्डी च चला गया, हुण कल तक ये पता नहीं सी लग रहा कि दूसरी कि गड्डी च गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन च हुण आया कि उत्थों उतर के एक ब्रेजा कार दे विच गया सी जिहड़ी कि अज ब्रेजा कार रिकवर की है। फर्दर हुण अगे इस गलत गल आई है कि मोटरसाइकिल 2 यूज होए आ, हुण उस पासे नूं साडी इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप चल रही है। वो पार्ट अभी हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो नहीं पता। मैं कह रहा हूँ वही चीज है, देखो आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक हमारे पास वो अभी नहीं है। जो आपने कंसी को गिरफ्तार किया है क्या उसके फंडिंग के क्या सबूत कुछ मिले सर? वो अभी हम उसको इंटेरोगेट पंजाब पुलिस का करना अभी बाकी है, करेंगे मैं वही कह रहा हूँ जब उसको करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। नहीं नहीं कपड़े असी नहीं रिकवर किए जी, असी गड्डी रिकवर की है, गड्डी चो वैपन रिकवर हुए हैं, उन्हां दी जिहड़े 4 बंदे असी अक्यूज अरेस्ट किए हैं उन्हां दी पुछगिछ तो यह गल सामने आई है जिहड़ी बार बार मैं तुहानूं दस रहा कि वह उत्थों जाके उन्हें कपड़े चेंज किए हैं। हुण वह चेंज करन तो बाद अगला सवाल तुहाडा है कि किधर नूं गए, वो पार्ट अजे चैक किया जा रहा है, ओहदे आले दुआले दे होर आस पास दे सारिया उन्हें कपड़े चेंज किए हैं। हुलिया बारे अजे मैं कह नहीं सकता, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੇ ਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 7-5 ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਡਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਿਸ ਯੂ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸੈਡ ਦੈਟ ਐਨਐਸਏ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕਲੀ ਬੀ ਪੋਸਟ ਔਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਟੂ ਦਿਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਗਿਵਨ ਇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੈਟ देखो सिक्योरिटी इशूज के उत्ते बहुत सारिया चीजा होंगे है जिड़िया टाइम टू टाइम और सही टाइम से शेयर की जा देखो असि देखो इन्वेस्टिगेशन दी त्रुटियां है ना जी सारिया शेयर नहीं की जा सकती ये बहुत सारे पहलू आ जो अजे अंडर इन्वेस्टिगेशन ने जिदे साड़ी जिहड़ियां एजेंसीज आ स्पैशलाइज्ड विंग्स आ साडे इंटरनल सिक्योरिटी आ काउंटर इंटैलीजेंस आ साइबर क्राइम आ वो तफ्तीश कर रहे हैं पर हर गल जिहड़ी है क्योंकि ये एविडेंस बिल्डअप करना है तो हर चीज आप पब्लिक फोरम से शेयर नहीं कर सकते जिन्नी इनफॉरमेशन जिन्नी अपडेट सी वो आप शेयर टाइम टू टाइम करी जा रहे हैं और नहीं अब तक ऐसा कुछ नहीं है जी अब तक नहीं 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 ये नहीं कहा जा सकता इस स्टेज पे अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ जी ये प्राइमरी जो एविडेंस है दैट एस्टेब्लिशेस कि है तो वो बाकी जो है एविडेंस एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंस है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा देखो वही मैं कह रहा जो फड़िया जाएगा ना जी ना तो हुलिया सानू पता की होएगा जो फड़िया जाएगा जेड़े साथी फड़े गए उन्होंने दसा कि असि उन्होंने ब्रेजा गड्डी च बिठा के ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ अजे कुछ नहीं है देखो किसी कोई कंक्रीट नहीं है कि कौन है इस केस के बारे में आप ठीक है जी थैंक यू।